बच्चों गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 7 में इतिहास में हम आपको अध्याय 3 में दक्षिण भारत में राजनीतिक विकास इसमें आपको लघु अतिलघु और दीर्घ बता दिए गए हैं। आज हम आपको अभ्यास कार्य करवाएंगे, अभ्यास कार्य। पहला है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, पहला है आपका है किस चोल शासक ने मदुरै कोंडवन की उपाधि धारण की थी। नंबर पहला क्वेश्चन, किस चोल शासक ने मदुरै कोंडवन की उपाधि धारण की थी। ये हमको बताना है कि किस शासक ने, किस चोल शासक ने मदुरै कोंडवन की उपाधि धारण की थी। नंबर फर्स्ट विजयपाल, नंबर सेकेंड पुरांतक प्रथम, थर्ड राजराम प्रथम और फोर्थ भोज प्रथम। जैसा कि हमने बताया कि मदुरै कोंडवन का मतलब क्या होता है, ठीक है, मदुरै कोंडवन का मतलब होता है मदुरै का विजेता। मदुरै कोंडवन का मीन्स हो गया मदुरै का विजेता, जिसने मदुरै को जीत लिया हो उसे मदुरै कोंडवन कहा जाता है। तो इसको किसने जीता था, पुरांतक प्रथम विजयपाल, राम राजराम और भोज प्रथम, ये तीनों गलत ऑप्शन है। सबसे सही ऑप्शन क्या है, पुरांतक प्रथम। पुरांतक प्रथम कौन था, पुरांतक प्रथम विजयालय का पुत्र था जिसने शाही चोल वंश की स्थापना की। पुरांतक प्रथम ने पल्लवों को हराकर मदुरों को जीत लिया था, इसलिए इसने मदुरै कोंडवन की उपाधि धारण की। ठीक है, अगला देखिए क्या है क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन आपका है बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था। हाँ, बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण
उसने करवाया था। ये ब्रजेश्वर मंदिर अंडरलाइन इसलिए दे रहा है क्योंकि हमको इसको बताना है। पहला नंबर है पुरातत्व, दूसरा नंबर है राजेंद्र प्रथम, तीसरा नंबर है राजराज प्रथम, और चौथा नंबर है सिंह विष्णु। अब ये जो ब्रजेश्वर मंदिर है इनमें से चार ऑप्शन है और पूछा गया है कि ब्रजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ब्रजेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो राजराज प्रथम ने करवाया था, ठीक है, और ब्रजेश्वर मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ब्रजेश्वर मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर की मुख्य विशेषता यह है कि इस मंदिर के जो द्वार थे वो ऊंचे द्वार थे जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, और इस मंदिर में नंदी की विशाल मूर्ति भी बनी हुई है। ये चोल वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया सबसे बृहद मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर है, और इसको राजराज प्रथम ने बनवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चोल शासकों ने लगभग कितने समय तक शासन किया। चोल शासकों ने नंबर चोल शासकों ने कितने समय तक शासन किया। इनका समय लिखना है, बताना है कितने वर्षों तक इन्होंने शासन किया। दो सौ वर्ष, दो सौ वर्ष, पांच सौ वर्ष, सात सौ वर्ष, सात सौ वर्ष, चार सौ वर्ष। इतिहासकारों द्वारा जो प्रमाण मिलता है उसके अनुसार चोल शासकों ने लगभग 500 साल तक शासन किया, ठीक है। अगला याद कर, आज इस
शंकर का जन्म कहां हुआ था? कहा नंबर है आदि शंकर का जन्म हुआ था? पहला गुजरात, दूसरा उड़ीसा, तीसरा दिल्ली और चौथा केरल। आपको ये बताया गया है कि आदिशंकर जी कौन थे? आदिशंकर जी एक दार्शनिक थे और इनका जन्म केरल में हुआ। केरल में कब हुआ था? 788 ईस्वी में केरल में हुआ था। और यह दक्षिण भारत में धर्म प्रचारक थे, हिंदू धर्म प्रचारक थे। इनके द्वारा, आदिशंकर जी के द्वारा भारत के चारों कोनों में चार मठों की स्थापना की गई है। आदिशंकर जी द्वारा भारत के चारों कोनों में चार मठों की यानी चार धामों की स्थापना की गई है, जिसको जिसका हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व है। उन धर्मों के नाम है द्वारिका, पुरी और द्वारिका पुरी, काची और आदि। ये जो है आदिशंकर द्वारा बनवाए गए चार धाम है बद्रीनाथ, ये हो गए चार, चौथा बद्रीनाथ, चार धाम है। इनका जन्म केरल में हुआ, ठीक है।